तो आज का हमारा टॉपिक होगा कैमरे को कैसे फेस करें। जी हाँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम भी वीडियो बनाएंगे, पर जब वीडियो बनाने की बारी आती है और वो कैमरा के सामने देखते हैं तभी शर्मा जाते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा वही होगा कि कैसे कैमरे को फेस करें और किस तरह से कॉन्फिडेंटली कैमरा के सामने होकर बात करें। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है भावेश, यू आर वॉचिंग आस्क भावेश मराठी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, या फिर वीडियो स्पीकर बनना चाहते हो, या फिर मोटिवेटर बनना चाहते हो? ये सब में से आपको जो भी बनना हो, शुरुआत तो आपको कैमरा से ही करनी पड़ेगी। और उसके लिए आपको अपने कैमरा से दोस्ती करनी ही पड़ेगी। आप अपने कैमरा से ही फ्रेंडशिप करिए और एकदम फ्री माइंड होके उससे बात करिए, जिस तरह अभी मैं कर रहा हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं अगर आपको वीडियो बनाना है तो कैमरा से दोस्ती करिए, फ्रेंडशिप करिए, और ये बात सही भी है। अपने कैमरा को अपने फ्रेंड मानिए, मतलब अपने कैमरा को फ्रेंड मानिए, और उससे जिस तरह आप अपने फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड से बात करते हो, बस उसी सेम तरीके से आप अपने कैमरा से भी बात करिए। जब तक आप अपने कैमरा के साथ फ्रीली बात नहीं करोगे, तब तक आप वीडियो पूरी कॉन्फिडेंट के साथ नहीं बना सकते। तो कैमरा को अपना फ्रेंड किस तरह बनाएं, मतलब कोई उसके लिए एक प्रोसेस नहीं है, बस मैं एक सिंपल तरीके से बताता हूँ कि सपोज कैमरा नहीं, आपका कोई फ्रेंड है जिससे आप हमेशा रेगुलर बात करते रहते हो। आप इमेजिन करो कि अभी भी आपके सामने वही आपका फ्रेंड खड़ा है जिससे आप बात कर रहे हो। सबके लाइफ में ऐसा कोई ना कोई फ्रेंड होता है जो जिस मतलब आप उससे सारी बातें शेयर कर सकते हो, ऐसा कोई फ्रेंड तो होता ही है। तो बस उसी फ्रेंड का फेस आप इमेजिन करो कि यहाँ सामने है और मैं उसी से बात कर रहा हूँ, और इसी तरह आप एकदम फ्री माइंड होकर बात कर सकते हो, और क्या बोलना है आपको, जो भी बोलना हो, वो कॉन्फिडेंट रह के आप बात कर सकते हो। तो समझ गए, आपको अपने कैमरा के साथ फ्रेंडशिप करनी ही पड़ेगी वीडियोस बनाने के लिए। और जितना हो सके उतना वीडियो बनाते समय आप दो या लाइन तीन लाइन उतना ही याद रखें, ज़्यादा याद रखने की कोशिश मत करिए, क्योंकि कुछ वर्ड्स फिर इधर उधर हो जाते हैं। और हमेशा वही पॉइंट्स वाइज बोलते रहिए कि क्या बोलना है। और अगर आपको फिर भी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, मतलब आप बोल ही नहीं पा रहे हो, स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करिए। मिरर तो होगा घर पे, तो बस मिरर के सामने कुछ ना कुछ ऐसे बोलने की प्रैक्टिस करिए। चाहे सिर्फ सामने खड़े जाइए, आवाज़ मत निकालिए, बस ऐसे मुंह हिलाइए जो बोलना है, जिस तरह से जैसे कि अभी मैं बोलूँगा कि मेरा नाम भावेश है, इसी तरह, मतलब मैं भले ही किसी को सुनाई नहीं दिया पर मैं बोला, उसी तरह आप प्रैक्टिस करिए। और जब आपको लगे कि थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट फील हो तो आप बोलिए, और जब घर पे कोई नहीं होता तो और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और थोड़ा लाउड बोलने बोल सकते हो तो वो भी ट्राई करिए। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं शाई लोग कहते हैं, मतलब शर्माने वाले, वो जैसे ही कैमरा देखते हैं वो शर्मा जाते हैं। मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो कुछ नहीं, मतलब मेरे सामने तो बहुत कुछ बोलेंगे, इधर उधर बातें करेंगे, पर जब ऐसे कैमरा के सामने आते हैं ना तो शर्मा जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। एक और तरीका बताता हूँ। और आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप सपोज फोन हो या फिर कैमरा हो, जिसकी भी मतलब जब भी बोल रहे हो तो कैमरा के सामने एकदम एग्जैक्ट कैमरा में ही देखो, ना कि अगर फोन है तो फोन की स्क्रीन में आपका चेहरा अभी मैं देखा तो एकदम अलग लग रहा, मतलब आई कॉन्टैक्ट बनेगा ही नहीं, तो व्यूअर्स को भी लगेगा ही नहीं कि ये हमसे बात कर रहा है। अगर मैं डिस्प्ले में देखूँ, मैं अभी फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, तो फ़ोन के अगर मैं डिस्प्ले में देखूँ अपने आप को, तो मैं कभी आई कॉन्टैक्ट आपसे नहीं कर पाऊँगा, और जो व्यूअर देख रहा है उन्हें भी अच्छा नहीं लगा कि ये हमसे बात ही नहीं कर रहा है, तो वो एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो वो देखने का मतलब नहीं। तो हमेशा कैमरा में ही फोकस करो। अगर आप सपोज कोई DSLR यूज़ करते हो तो वो उसमें तो लेंस बड़ा ही होता है, हमेशा वो जो लेंस होता है उसी में देखो, ना कि फ्लिप स्क्रीन है तो फ्लिप स्क्रीन में डिस्प्ले में मत देखो, तो वरना वो कुछ इस तरह लगेगा कि हाँ मेरा नाम भावेश है, आप देख रहे हो आज भावेश मराठे, फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, तो उसका मतलब नहीं है, समझे। आपसे जितना हो सके आप उतना ही टॉपिक, मतलब उतना ही लाइंस आप एक साथ बोले। अब मैं मोस्ट ऑफ जैसे तीन या चार लाइन बोल लेता हूँ, या फिर कभी कभी जो बिना स्क्रिप्टिंग के भी बोलता हूँ, जैसे मेरा ये वीडियो है बिना स्क्रिप्टिंग के मैं बोल रहा हूँ, जैसे ही मेरे माइंड में टॉपिक क्लिक होता तुरंत मैं बोल देता हूँ, और अगर बोलते रहूँगा
आपसे बात मतलब वीडियो बनाते रहूंगा तो अपने आप वो टॉपिक आता रहेगा, तो मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि यार ये बोलना है फिर इधर देखूंगा तो ये वाला बोलना है, ये बोलना रहे क्या, ऐसा नहीं। हाँ, अगर कोई एक बेसिक आपका कोई एक कंसेप्ट है कि इस बारे में आपको वीडियो बनाना है तो उसके रिगार्डिंग आप कुछ पॉइंट्स मेन पॉइंट्स आप लिख लीजिए, पर बाकी जो बोलना है वो तो मेन आपको ही बोलना है। और आपको एक बार अपने मन में ही अपने माइंड में ही रिवाइज करके रखना कि ये पॉइंट्स आना चाहिए और यही पॉइंट्स पहले बोलना है फिर बाद में बोलना है। कुछ वीडियोस के मेरे भी मैं स्क्रिप्ट कर लेता हूँ, मतलब लिख लेता हूँ कि मेन पॉइंट्स है। और जैसे मैंने अपने बेस्ट फोन का जो वीडियोस रखा था, बेस्ट फोन अंडर 20,000, तो उस फोन की जो मतलब जो वीडियो का जो स्क्रिप्ट था तो वो भी मैंने लिख लिया था कि पहला फोन ये है, दूसरा फोन ये है, तीसरा फोन था और पांचवा, ऐसा करके मैं लिख लिया था, नाम भी लिखा था और कुछ स्पेसिफिकेशन उस फोन के बारे में भी लिखे हुए थे। पर जिस तरह से मुझे बोलना है वो तो मुझे ही बोलना पड़ेगा ना, मैं उसमें लिखूंगा कि इस वर्ड को तो बहुत बड़ा खींच के बोलना है, फिर बहुत छोटे में बोलना है, इसे थोड़ा लाउड बोलना है, वो तो मैं लिख नहीं सकता। तो उसकी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। और अगर आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट हो जाए तो आप सॉन्ग ट्राई कर सकते हो, मतलब कैमरा आप सामने रख लीजिए, फ़ोन रख लीजिए, आप कैमरा जो भी होगा, और कैमरा के अंदर लेंस के अंदर आप देखिए और सॉन्ग जो भी आपको पसंद आता है सॉन्ग या फिर जो रैप होता है जो भी हो वो प्रैक्टिस करिए, वही गाइए और वो वीडियो पूरा रिकॉर्ड करिए और एक दो बार वो वीडियो को ध्यान से देखिए और आप खुद से उस पॉइंट मतलब उस वीडियो को दो तीन बार देखिए और आप खुद से नोटिस करिए कि किस जगह या फिर किस एग्जैक्ट पॉइंट्स पे मुझे वो वीडियो पसंद नहीं आया, मतलब जो मैं जिस तरह से बात कर रहा हूँ वो पसंद नहीं आया, बस वही पॉइंट्स को आप सुधार लो, मतलब उसी पॉइंट पे प्रैक्टिस करो कि अगर मैं सपोज कुछ इधर देख के बात कर रहा हूँ वो मैंने गलती कर दिया, फिर मैं स्क्रीन की तरफ देख लिया कि स्क्रीन में मैं किस तरह दिख रहा हूँ तो वो भी गलती अगर हो रही है तो उसे आप एक बार ठीक से सुधारने की प्रैक्टिस करिए कि प्रैक्टिस आप दूसरे से सीख सकते हो, मतलब कौन आपको जो भी क्रिएटर पसंद है उसकी वीडियोज़ देखो और उस वो किस तरह से बात करता है उस तरीके से आप बात करने की कोशिश करो। मैं हमेशा जब भी मतलब कुछ भी टॉपिक से बोलता हूँ तो उससे पहले रिवाइज करता रहता हूँ, कभी कभी मिरर में करता हूँ या फिर मैं हमेशा मोस्ट ऑफ टाइम अपना टेरेस पे गुजारता हूँ, तो टेरेस पे जाता हूँ तो बस वहीं पे उन टॉपिक्स के बारे में ऐसे अपने आप से बात करता रहता हूँ तो किस तरह से बात करना है। यस, मेरा नाम है भावेश, यू आर वॉचिंग आज भावेश मराठे वगैरह वगैरह, इस तरह से इस साइड नहीं मतलब कैमरा में ही देखना है पर मैं बता रहा हूँ सिर्फ, तो उसी तरह आपको भी प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह बात करनी है। तो बस आई थिंक यही थे कुछ टॉपिक्स मतलब कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए कि वीडियो बनाते समय और कैमरा को फेस करते समय यही प्रैक्टिस करो, ये जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं वही ट्राई करो। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि इन पॉइंट्स से के अंदर जो कॉन्फिडेंट है वो ठीक मतलब और बढ़ जाएगा और आप कैमरा को अच्छी तरह फेस कर पाओगे। मुझे भी पहले नहीं आता था बट मैं यूं ही कहीं ना कहीं अकेले रहता तो बोलता रहता था, प्रैक्टिस करता रहता था तो हो गया। सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सेक्शन में बताना जो भी आपके प्रॉब्लम्स या फिर किस रिगार्डिंग आप वीडियो नेक्स्ट वीडियो चाहते हो वो भी लिख लेना, मतलब कमेंट्स में बता देना। तो बस अब रुकना नहीं है, बस बढ़ते जाना है।